तो बड़ा ध्यान से अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपन बात करें तो इस चैप्टर से अपना क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है, और थोड़ा सा टिपिकल साइड रहता है इसमें ना, टिपिकल साइड क्वेश्चन वाइज नहीं रहता, खुद ही तुम टिपिकल बना देते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है लोग लोग आते हैं और तुम रो देते हो। फिर बाकी चैप्टर आसान है, शुरुआत से एकदम ढंग से सुनना। और इसमें तीन पोर्शन अपने, तीन या चार पोर्शन अपने पास, एक अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक अपन पढ़ेंगे कंडक्टेंस, और लास्ट अपन पढ़ेंगे बैटरीज। चार चीज है इसमें, क्लियर है। सबसे पहले अपन बात करें बेटा सिंपल सी कहानी की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या बेटा। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ ए आयंस, जिनमें हम आयंस का फ्लो पढ़ते हैं बेटा। आयंस बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में फ्लो करते हैं, अपने यहाँ पे क्या करते हैं बेटा आयंस होते हैं। अपने पास सेल है और सेल के अंदर क्या होते हैं आयंस, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होते हैं आयंस। तो अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ ए आयंस नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमें पता है फ्लो ऑफ आयंस जनरेट क्या करता है, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन, मतलब आयंस के फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज हमें पता ही है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, हम पढ़ के आए। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है ऑक्सीडेशन। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने से क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर सिंपल सी कहानी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, जितने इलेक्ट्रॉन आप लूज करते जाओगे उतना नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, जैसे आप एम प्लस से एम टू प्लस में जा रहे हो, एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम थ्री प्लस से एम प्लस, रेडॉक्स आना चाहिए चैप्टर के अच्छे से। नेक्स्ट बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते जाओगे तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आप पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा कम, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज। जितने इलेक्ट्रॉन आप गेन करोगे तो आप प्लस थ्री से प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन, माइनस वन से कम का क्या। अब आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कि मैंने पहले बहुत बार पढ़ा दिया तुम्हें, एजेंट क्या होता है जो दूसरों के लिए काम करे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, उल्टा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट नाम से पता दूसरों के लिए काम करे, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन तो फ्री में तो करेगा नहीं, खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ये सब चीजें हमने रेडॉक्स में पढ़ा है। और रिड्यूसिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है रिड्यूसिंग पावर। कितनी बार पढ़ा दिया अपन ने इस चीज को, अरे बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। ये सारी चीजें हमने रेडॉक्स में पढ़ी है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, ताकि हम इसे कनेक्ट कर सके, रेडॉक्स से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए अपने एक चीज समझते हैं, हमने क्या किया, कंटेनर लिया बेटा, हम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पोटेंशियल इन दो टॉपिक को समझेंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक मेटल, जिंक की मेटल डाली, किसकी मेटल डाली बेटा, जिंक की मेटल, ये जिंक के मेरे मेटल है, और सोल्यूशन भर दिया ZnSO4 का, किसका सोल्यूशन भर दिया, चमका जिंक के मेटल ली, और यहां क्या भर दिया ZnSO4। मैंने कहा ऑक्सीडेशन होना है, क्या होना है, अब मैंने कहा यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा किसके बीच में, देखो ध्यान से, एक सेकंड में इसको दोबारा बना लेता हूं, पूरा मिटा देता हूं ताकि तुम्हें दिखना बंद हो। मैंने कंटेनर लिया बेटा, उस कंटेनर में जिंक की रोड ली, किसकी रोड ली बेटा, और सॉल्यूशन भरा ZnSO4, क्या भरा बेटा, और ये जिंक मेटल आपके पास में। तो मैंने कहा यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तभी आएगा जब क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका कराऊं, यहाँ दो जने, एक तो जिंक है और एक है जिंक टू प्लस है, तो जिंक और जिंक टू प्लस दोनों है आपके पास में, तो आपके पास हमेशा ऐसी चॉइस आएगी कि ऑक्सीडेशन किसका करवाया जाए। तो अब मेरे पास या तो जिंक या जिंक टू प्लस, दोनों में से करवाना है। आपको पता है जिंक टू प्लस तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, तो किसी गरीब को मार के क्या फायदा, अरे बोलो, दे मैं तो जिंक का कराऊ,
दमा तो किसका कराओ, हमेशा इसी चीज में रखना है, जिसका पहले से होगा उसे मार के क्या ही मिलेगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है जिंक है वो किसमें जाएगा, जिंक टू प्लस और दो इलेक्ट्रॉन में, तो इस मेटल से टूट के जिंक टू प्लस सोल्यूशन में आ जाएगा और कंटिन्यूसली आता जाएगा। अरे बोलो, अब जिंक टू प्लस तो इस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, तो जो अपना मेटल है उस पे कौन रह गए बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन रह गए, और मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन रह गए और सोल्यूशन में टूट टूट के कौन चला गया, जिंक टू प्लस। अब आपको बताया सोल्यूशन में जिंक टू प्लस है, पहले से जिंक टू प्लस था लेकिन जितना जिंक टू प्लस था उतना SO4 टू माइनस था, तो पहले सोल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन अब जिंक टू प्लस है तो उसका कोई काउंटर आयन आया है क्या, नहीं, तो क्या धीरे धीरे सोल्यूशन जो है क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सोल्यूशन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और जो हमारा मेटल रोड है उसमें से जिंक टू प्लस चला गया, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रह गए तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हमारे इस रोड पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। आपको लगता कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ है, अरे बोलो, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल, अरे बोलो, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से, ये तुम फिजिक्स में पढ़ चुके हो, अरे बोलो, तो ये कौन सा पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल जनरेट हुआ, तुम का क्या, अगर मैं कहता नहीं ऐसा नहीं है, उल्टा करते हैं अपन इसी चीज को फिर से, वही आपके पास जिंक की रोड है बेटा, वही आपके पास यहाँ ZnSO4 है, मैंने कहा अब की बार मेरे को रिडक्शन चाहिए, क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल तब होगा जब रिड्यूस करेंगे, अब रिड्यूस किसको करें, अपने पास एक जिंक और एक जिंक टू प्लस है, तो आपको नहीं लगता जिंक पहले से रिड्यूस है, किसी गरीब को मार के क्या ही, अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे, जिंक तो पहले से रिड्यूस है तो किसका रिडक्शन कराए, जिंक टू प्लस का, अरे बोलो, अब जिंक टू प्लस का रिडक्शन कराएंगे तो जिंक टू प्लस है वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें जाएगा, ZN सॉलिड में, बोलो कोई दिक्कत है। अब कई बार बच्चे के जैसे यहां मन में आती है कि सर आपको क्या पता जिंक टू प्लस ही जाएगा, क्योंकि बेटा मुझे इसलिए पता है कि जो पहले से मौजूद जिंक टू प्लस है, जिंक किसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन में, जिंक टू प्लस में, जो नया जिंक आएगा वो भी कहां तक जाएगा, जिंक टू प्लस में, अरे जो मार्केट में भाव चल रहा है वही तो चलेगा, लिख रहा अगला जिंक टू ZnSO4 है तो जिंक टू प्लस में जाएगा, और कोई भी मेटल जब रिड्यूस होगा तो जीरो में जाएगा, किसमें जाएगा, तो जिंक टू प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा, जीरो में, तो ZN टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें गया, ZN में, अरे बोलो, अब हमें पता इसका रिडक्शन हुआ, धीमे धीमे सारे सोल्यूशन में से जिंक टू प्लस चला जाएगा तो आएगा क्या, SO4 टू माइनस बचेगा, और SO4 टू माइनस बचेगा तो जो हमारा सोल्यूशन है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक तरह का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अरे बोलो, सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिव। अब बात है कि जिंक टू प्लस भिखारी को दो इलेक्ट्रॉन दे किसने दिए, इलेक्ट्रॉन कहां से आए इसके पास, तो ऑफ कोर्स इस मेटल ने दिए होंगे, किसने दिए होंगे, मेटल ने, और मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बना, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना तो फिर से क्या जनरेट होगा, एक पोटेंशियल, ये जब कनेक्टेड होते हैं दोनों, इधर से आते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, आ रही समझ में, तो इसको एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक पोटेंशियल जनरेट हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों कनेक्टेड होता है, अपने वन बाई वन पढ़ा है, अरे बोलो, तो इसका मतलब मेटल पे पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखो दोनों पोटेंशियल की डायरेक्शन उल्टी है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ है और इसमें इलेक्ट्रॉन से दूसरी तरफ है, तो हमने एक चीज देखी दोनों रिएक्शन में, यहाँ जिंक से जिंक टू प्लस जा रहा है, यहाँ जिंक टू प्लस से जिंक, तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी है बेटा, अरे बोलो, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि व्हेन ए मेटल डिप इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले लेक्चर में ये सीखा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्लियर है, तो व्हेन ए मेटल डिप इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू ए पोटेंशियल जनरेट नॉन एज ए, चमका क्या, इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से, चमका, नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है जिंक जिंक टू प्लस में गया तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ई और जेड में लिखते हैं, जिंक सॉलिड किसमें गया, जिंक टू प्लस में, तो हमें ऐसा लिखाएगा ई जेड एन से जेड एन टू प्लस, तो आप देख के बता सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अरे बोलो,
इसी तरह से मैं अगर ये जो ई था, अगर मैं कोई भी मेटल ले लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ई एम से एम एन प्लस, मतलब एम नाम का मेटल था और यहाँ क्लियर बेटा सबको। अब तो बड़ा ध्यान से कि ये दोनों चीज, अब देखो हमें पता है हमारी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब मेटल सॉलिड किस में जाएगा, Mn n प्लस में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा Mn प्लस में, जैसे Ag Ag प्लस में जाएगा, कॉपर कॉपर 2 प्लस में जाएगा, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम प्लस 3 में, तो कोई Mn प्लस में जाएगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? तो मैंने कहा इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एक्स आएगा, कितना आएगा? अगर इसी रिएक्शन को मैं रिडक्शन करना चाहूँ तो जस्ट उल्टा है, बोलो तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? माइनस, क्योंकि रिएक्शन को जस्ट आपने उल्टा ही तो किया है। तो ध्यान रहे किसी रिएक्शन का जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन 99% में, पानी को छोड़ दो, बाकी सब रिएक्शनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मॉडुलस में क्या होता है? सेम। किसी एक को पढ़ लो दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही, हमका क्या, किसी एक को पढ़ो दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही, याद रह जाएगा कि एक पता होना चाहिए। ये फिर से फिनिश का आगे आ जाए बेटा, तेरे को पीछे क्या बिठा दिया, तो शराब पे शराब लगा रही है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? पहले तूने कैमरा बंद करवा दिया, अब तू ये जादू मार रही है, ऐसी चीजें हैं क्या ये? ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या है बेटा? ई रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीज क्लियर है बेटा सबको? इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं? बराबर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे हमें कहा कि सोडियम है, ये इसका क्या है बेटा? रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन है। और ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन का रिडक्शन। कैसे लिखोगे? 2H प्लस किस में जाएगा? H2 में। ये दो तीन रिएक्शन याद रखो, जैसे 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? H2 गैस में। ये हमेशा हाइड्रोजन की रिडक्शन है बेटा, H प्लस का रिडक्शन ऐसे होगा। ऑक्सीडेशन इसका उल्टा, कोई भी मेटल है उसका रिडक्शन क्या होगा बेटा? उसको मेटल में ले जाओ। और सीएल माइनस का रिडक्शन क्या है? टू सीएल माइनस किस में जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन, सॉरी, टू सीएल माइनस किस में जाएगा? सीएल टू में, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नोट से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जैसे अब सिंपल सी कहानी है कि जैसे अगर आप किसी ठंडे देश यूरोपियन कंट्री में गए और वहां पे आपने एक सेल खरीदा, उस सेल का आपने पोटेंशियल मेजर किया, वहां पे मान लो पोटेंशियल 5 वोल्ट आया, जब आप इंडिया में आए तो पोटेंशियल आपको 5 से कुछ कम मिला, तो आप क्या कहोगे? हमें तो ठग लिया। आप क्या कहोगे? हमें तो ठग लिया, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो गया। अब वो कहेंगे हमने तो नहीं ठगा, तुमने कहा ठग लिया, आपस में लड़ते रहोगे। तो उनका नहीं, अपन एक रेफरेंस बनाते हैं कि तुम यहाँ पर भी इसी टेम्परेचर प्रेशर पे देखो, वहां जाके भी इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे देखो, एक स्टैंडर्ड पैमाना बना लिया कि इस पे चेक करना है। क्लियर है? क्योंकि टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है? व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना हो, प्रेशर इज 1 bar, प्रेशर इज ए, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 molar, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमका क्या, बोलो किसी को दिक्कत है? पक्का कि याद रह जाए सबको?
अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया, सारे मेटल्स लिए, मेटल्स नॉन मेटल एलिमेंट लिए बहुत सारे, और हमने इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाला। सबका क्या निकाला? और स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते समय अपन ने क्या किया, सारे जीते, और सबका एक ही चीज निकाला, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। क्या निकाला? चाहे कोई रिड्यूस होता है चाहे नहीं होता, जबरदस्ती रिड्यूस कराया, वो नहीं होता तो उसके आयन को रिड्यूस कराया, लेकिन सबका हमने क्या निकाला बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, जितने थे सबका, किसी को नहीं छोड़ा हमने। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, मतलब मैंने लिथियम लिखा है, मतलब ये लिथियम प्लस से लिथियम में आया होगा, रूबीडियम लिखा हुआ है इसका मतलब रूबीडियम प्लस से रूबीडियम में लाया होगा, और सारे मेटल्स का क्या निकाला बेटा हमने, रिडक्शन पोटेंशियल। अरे बोलो, जितने थे अब सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के उसे क्या किया बेटा, एक सीक्वेंस में लग गया, लाइन वाइज लिखते गए। तो सिंपल सी कहानी है कि जो लिथियम था उसका रिडक्शन पोटेंशियल आया -3.05, क्लियर है? और उसके बाद ये 10 के आगे लिखना पड़ेगा, लेड उसके नीचे, लिथियम रुबिडियम पोटेशियम ये है ना, टिन, और टिन के नीचे कौन है, ये वाले, एक ही सीक्वेंस में सबको लगाया। तो इसका तो आया बेटा -3.05, जैसे इसका -2.9, ये याद नहीं करना, -2.93। हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस था, इसका जीरो था, गोल्ड का है +1.40, और आयरन का कितना है +2.87। अरे बोलो, सारे एक ही सीक्वेंस में, किसमें बेटा, एक ही सीक्वेंस में। जैसे अपन लिखने की कोशिश करें सारे, अपन भी लिख सकते हैं कि एक साथ नहीं लिख पाएंगे शायद, एक रहेगी। नहीं आ पाएगा एक लाइन में, तो फिर आपको इसको एक लाइन में लिखना है पूरे को। हाँ तो बस ये देखो, सर तो छोटा कर देते बस, तो इसको पूरे को एक सीक्वेंस में लिखना है, पूरे को क्या लिखना है कि सीक्वेंस, और ये याद भी होना चाहिए सीक्वेंस, ये क्या होना चाहिए, याद, यहाँ से लेके यहाँ तक याद भी करोगे पूरा एकदम, क्लियर है? करोगे, बिना एंट्री नहीं करोगे? मैं भूल गया, ठीक बतानी पड़ेगी, एक मिनट रुको, फिर इसको सेट करने दो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो जूम आउट हुआ है ना, इसके लिए चेक कर ले, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या है, ला एम चबे, ला रब कब क्या नाम मांगे, बोले बोल चुप है, तो बोल ला क्या नाम मांगे, नहीं मांगता होगा ना, एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है, अब ध्यान सुन ले, ए, ला रब कब क्या नाम मांगे अल्लाह, जहां पे नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा प्रभु है, कौन है बेटा, क्लियर है? तो दोबारा से सुन ले, ला रब कब क्या नाम मांगे अल्लाह, जहां पे नहीं सुनेगा प्रभु है, क्लियर है? अब इसको आगे लेते हैं, एच पे किस पे नाम है तुम्हारा, हाँ ठीक है, क्यों इतना हिमांशु आज उछल रहा है, हमने ऐसे बोल दिया, क्यों इतना हिमांशु आज उछल रहा है, तो हिमांशु कहता है कि बाहर कल सोना फबेगा, क्या फबेगा, सोना फबेगा मतलब मिलेगा, क्लियर है? तो क्या है बेटा, ला रब कब क्या ना मांगे अल्लाह, जहां पे नहीं सुनेगा प्रभु है, क्यों इतना हिमांशु आज उछल रहा है, उछल रहा है राइमिंग के लिए, फिर इसने क्या बोला, बाहर कले, क्लियर है? अब बच गए ये दोनों, ये अपने ट्रिक में नहीं आते, तो अब देखो सिंपल सी कहानी है, जो हमें क्या करना है, सुबह सुबह मंजन करते हो ना बेटा, तो मंजन क्या है बेटा, और मंजन में क्या चाहिए, पानी, मंजन करते समय आपको क्या यूज करना चाहिए, पानी करते हो, तो याद रखो मंजन बीच में पानी, ये लास्ट में डाल दोगे आराम से। अरे बोलो, अब देखो ये एनसीईआरटी में बहुत से भी बड़ी ट्रिक बोल रहे की सीरीज, हमें उनको याद करना है, तो मोस्ट ऑफ हमारे काम आते, और मोस्ट ऑफ हमारे यही काम आते हैं बेटा। अब ध्यान समझो बेटा इसमें, कि इसमें देखो बेटा ध्यान से, लिथियम का नेगेटिव है, फ्लोरिन का पॉजिटिव है,
लिथियम का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है, ये रिड्यूस नहीं होना चाहता कि सर लिथियम या लिथियम का आयन, मैं लिथियम का आयन, सबके आयन है बेटा, तो लिथियम रिड्यूस नहीं होना चाहता। अभी आप जैसे आपसे कोई घर पे कोई काम है, आप ध्यान हो नहीं है, हाँ क्लियर है अभी चुप है। तो लिथियम का जो आयन है, आप जैसे आपसे कोई घर पे काम करवाए, आपका कोई काम करने की इच्छा है ना, और आपसे घर वाले कहे बेटा ये काम कर दे, आप क्या कहोगे कि ये काम बहुत घटिया, करना ही नहीं चाहिए, इंसानी सभ्यता का खिलाफ है, तो तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें करना, लेकिन कोई चीज तुम्हें पसंद हो तो तुम चार फायदे गिना दोगे कि नहीं, बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, यही खानी चाहिए इंसान को, दिन में 3 बार खाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पसंद है। तो सेम कहानी है बेटा, लिथियम को कोई इसने कहा कि हमने तेरा रिड्यूस कराया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि रिड्यूस नहीं होना चाहता। लेकिन यही चीज जब फ्लोरीन को पूछा तो उसका तो पॉजिटिव आया, फ्लोरीन कहता मैं जाऊंगा एफ माइनस में, किसमें जाऊंगा, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +2.87 है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, जबकि ये सबसे ज्यादा क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो मतलब हमने जो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज लिखी तो ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा, ये चीज समझ में। अब कुछ भी नहीं कर याद करने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन बोलेंगे यहां से जितने भी है सारे रिड्यूस होंगे, इसको छोड़ो, अपने सीधे एक लाइन बोलेंगे नीचे वालों का रिडक्शन होगा, नीचे वालों का क्या होगा, बस आगे कुछ नहीं सोचना, बस नीचे वालों का रिडक्शन होगा, अब सब अपने आप आ जाएंगे, चार चार लाइन याद करने की जरूरत नहीं, नीचे वालों का रिडक्शन होगा, जो जो भी नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। तो सिंपल सी कहानी है कि नीचे वालों का रिडक्शन होगा तो ऊपर वालों का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, नीचे वालों का खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वालों का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का रिडक्शन करेंगे तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बोलो, तो हमने क्या सीखा, नीचे वालों का क्या होगा, रिडक्शन, बस ट्रिक याद रखो, सीक्वेंस लिखो, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल है, चमका क्या, आगे चले। हाँ, तो इस ट्रिक में अपन ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को इग्नोर किया है जो एनसीईआरटी में थे, क्योंकि बाकी वो डाटा गिवन आ जाता है, डाटा गिवन है, तो अब सिंपल से क्या, नीचे वालों का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम, नीचे वालों का क्या होगा, रिडक्शन। अरे बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर में क्या करते हैं हम, साइन को कंपेयर करते विथ साइन लेते हैं, अगर मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है और एक का -0.80, बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, 0.76, हम माइनस समय देखेंगे, -0.76 -0.80, तो हम कहेंगे -0.76 ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, साइन को लेते हुए देखते हैं कौन बड़ा कौन है छोटा, इससे अपनी ट्रिक काम करती है, बोलो कोई दिक्कत है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, कहता है एल आई सी एल की पोटेशियम से रिएक्शन कराई, तो कहता है कि रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो आप चलो सोचो मतलब रिएक्शन करवा दो, लिथियम क्लोराइड की पोटेशियम से रिएक्शन कराओ तो के सी एल प्लस लिथियम बनेगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो लिथियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, पोटेशियम का क्या हो रहा है, हमका क्या, तो लिथियम का रिडक्शन हो रहा है और पोटेशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है कि लिथियम और पोटेशियम में पोटेशियम नीचे आता है, तो क्या लिथियम के जिंदा रहते हुए पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, नीचे वालों को रिड्यूस होना होता है, नीचे वालों क्या होना है, तो लिथियम क्या कह रहा है, मेरे जिंदा रहते हैं रिएक्शन है, नहीं होगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन में फिर से लिखो केसीएल प्लस लिथियम और आप पहले रिएक्शन करा दो, इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है, लिथियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या एकदम सही है कि नहीं है, नीचे वालों को क्या होना चाहिए, रिड्यूस, और लिथियम के सामने पोटेशियम का रिड्यूस होना चाहिए, यही संस्कार है। अरे बोलो, नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये हमें कहा कि Ag2SO4 उसकी जिंक से रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन कराई बेटा, जिंक से, तो आप रिएक्शन करा दो। अब आपको दिख रहा है कि Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिंक और Ag में से Ag नीचे होता है। अरे बोलो क्यों, ईमान से आज इतना उछल रहा है, तो नीचे ही है। अरे बोलो, Ag का है नीचे, तो Ag नीचे, इसका मतलब Ag का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले का क्या होना चाहिए, ये संस्कार है। अरे बोलो, फिर से देखो ये वाले रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन में हम देखें तो ZnSO4 रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम से, हमने रिएक्शन करा दी, आइंस तो एक्सचेंज करा दी एल्यूमिनियम +3 में, तो एक्सचेंज करा, अब हमसे पूछता है पॉसिबल है क्या, तो जिंक और एल्यूमिनियम में से ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम। अरे बोलो, और एल्यूमिनियम ऊपर है तो ऊपर वाले का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का, अब वो हमसे इससे आगे बढ़ जाता है, हमसे एक ये क्वेश्चन नहीं पूछ के क्वेश्चन पूछता है कि एक जिंक का बर्तन है, किसका बर्तन है, कहता है उसमें CuSO4 को रख सकते हैं क्या, CuSO4 को, तो वो सिंपल है, जैसे हमने CuSO4 को रखा, जिंक ने पूछा और भाई क्या नाम है, कि कॉपर 2+, दोबारा बोलना,
कॉपर वो भी क्या टू प्लस, के जिंक को बर्दाश्त है क्या कि उससे नीचे वाला उसके सामने ऑक्सीडाइज रहे, अरे बोलो नहीं है ना बर्दाश्त, तो क्या होगा जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा, अरे बोलो जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब जो सिंपल सी कहानी, आप किसी चीज को किसी में स्टोर करते हो तो स्टोर करने का तरीका क्या होता है कि वो खराब नहीं होनी चाहिए, तभी तो स्टोर करते हो। अब आपने अगर जिंक और कॉपर को साथ रख दिया कॉपर टू प्लस के, तो लड़ेंगे आपस में, जिंक का बर्तन क्या हो जाएगा रिएक्शन कर जाएगा, अरे बोलो। जैसे घर में अपने रहते हैं ना कि जैसे कोई चीज होती है जिसको बर्तनों में रखते हैं, किसमें रखते हैं दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे छाछ वात होती है, खट्टी चीजें होती है ना, तांबे के बर्तनों में नहीं रखते, ये रिएक्शन कर जाते, ये रिएक्शन है कर जाते, क्लियर है। तो इनको इसके अंदर नहीं रखते क्योंकि वो खराब हो सकते, तो हमने जिंक और इसको रखा तो जिंक क्या कहेगा सीओएसओ फोर से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा क्या कि जिंक कॉपर को रिड्यूस करवाएगा, क्या करवाएगा तो धीरे धीरे सारे कॉपर को खत्म कर देगा वो, हमने स्टोर करके क्या निकाला इसे तो बाहर ही फेंक देते, अरे बोलो बर्तन भी गया कॉपर भी गया, अरे बोलो। तो सीओएसओ पर रखा नहीं जा सकता, लेकिन मुझसे कोई कहे कॉपर के बर्तन में AgNO3 रख दो, अब कॉपर और Ag में से नीचे कौन आता है Ag, तो कॉपर ने Ag को पूछ लिया भाई क्या नाम है कि Ag प्लस, कि दोबारा बोलना कि Ag प्लस कि बर्दाश्त नहीं है, मुझसे नीचे वाला ऑक्सीडाइज है बर्दाश्त है, तो क्या ये फिर से आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो क्या हम AgNO3 को स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं स्टोर उसी को कर सकते हैं जो आपस में रिएक्शन है ना करे। जैसे हमने कहा कि कॉपर के बर्तन में ZnSO4 को रखा, कॉपर ने जिंक को पूछा कि क्या है क्या नाम बताया तुमने अपना कि जिंक टू प्लस, दोबारा बोलना कि जिंक टू प्लस क्या कर लेगा कि कुछ नहीं आप ऑक्सीडाइज रहो, आप क्या रहो क्योंकि जिंक टू प्लस ऊपर रहता है और ऊपर वाला क्या रहता है ऑक्सीडाइज, तो जिंक ऑक्सीडाइज रहेगा कॉपर रिड्यूस रहेगा, आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, अरे बोलो। इसी तरह सिल्वर के बर्तन में Ag के बर्तन में CuSO4 रख दिया, तो Ag कॉपर को पूछेगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस टू में कि रिड्यूस करेगा क्या, कि नहीं आपको कौन रिड्यूस कर सकता, आप तो ऊपर हो, आप तो क्या हो क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ऊपर आता है, तो आपस में रिएक्शन करेंगे ही, मतलब स्टोर किया जा सकता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट में आते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल भी है और नॉन मेटल दोनों है, तो देखो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल कौन होते हैं बेटा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं गेन करते हैं, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं वो खुद का क्या करते हैं रिडक्शन, और जो रिडक्शन खुद का करते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ज्यादा, तो बस हो गई बात कि जितने भी नॉन मेटल है अगर मैं उनकी उनको मुझसे पूछे उनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिस नॉन मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी नॉन मेटल की क्या होगी, अरे बोलो ये चीज सबको चमकी क्या, यही चीज अगर मुझसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पूछे क्या पूछे रिएक्टिविटी ऑफ पे, अब मेटल कौन होते हैं बेटा जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए हाई, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम होगा। मैंने कहा कोई मेटल आपके पास उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस पांच है और प्लस सात है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका जस्ट उल्टा होता है माइनस पांच और है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा कि नहीं हुआ, अरे बोलो। तो मैं क्या कहूंगा किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा है, तो जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो मेटल उतनी ज्यादा क्या होगी रिएक्टिव, हमसे पूछता है ऑर्डर, अरे बोलो। जैसे हमारे पास है कि आपके पास तीन में ए बी सी तीन मेटल दे रखी है, आर देर आर नॉन मेटल ए बी सी आर थ्री नॉन मेटल दे रखे एंड देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज, इनके रिडक्शन पोटेंशियल है 1.2 1.6 एंड 2.1, राइट डाउन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ए बी सी, तो हमें पता है बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, तो आपको सिंपल सा है कि आपको पता है कि रिएक्टिविटी क्या होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा 2.1 सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर ए की। इसी क्वेश्चन को पलट के मैं कह दूं ए बी सी तीनों मेटल है, तो मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अब डाटा इसे -1.2 -1.6 और -2.1, तो बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना -1.2 बड़ा होता है, तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इसका मतलब ये मेटल कम है रिएक्टिव है, तो ए सबसे कम होगी बेटा, फिर बी, फिर सी, डाटा सेम नहीं था डाटा बदल दिए, अरे बोलो क्या, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है ना सबका, क्या कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मांग रही है, रिडक्शन पोटेंशियल भी तो नेगेटिव में आता है इसका मतलब रिड्यूस नहीं होना चाहते क्या, हाँ हाँ गिवन है इसका -1.2 इसका -1.6 इसका -2.1, क्लियर है।
चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन सेल पे। किस पे बढ़ते हैं बेटा? सेल। अब जो सेल क्या होता है, क्लियर है? तो सेल क्या है बेटा? एक डिवाइस है। सेल क्या है बेटा? एक डिवाइस। सेल क्या है? सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, उसी को हम सेल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल होता है बेटा दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इसी को वोल्टिक सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोई डिफरेंस नहीं इन बातों में। इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम गैल्वेनिक है, गैल्वेनिक का नाम ही वोल्टिक है। नाम से पता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो देखो नाम से केमिकल को इलेक्ट्रो में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल को कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। उल्टा पढ़ो, केमिकल को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो केमिकल नाम आया तो केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल में। मतलब इसमें केमिकल भरे होते हैं, उन केमिकल की एनर्जी निकालता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? लेकिन यही चीज जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल में। जैसे आप फोन को चला रहे होते हैं तो उसकी जो बैटरी यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही होती है, उस वक्त वो क्या करता है बेटा? अपने अंदर केमिकल के रूप में जो एनर्जी स्टोर है उसे निकालता है। उसे क्या करता है? निकालता है, आपको सप्लाई करता है। आपको क्या करता है? सप्लाई। लेकिन जब उसे आप चार्ज करते हो तो वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो जब उसे चार्ज करते हो तो फोन चार्ज कैसे होता होगा? तो मैंने थोड़ी चार्जर लगाया और चार्ज लगाते फोन कहता लो मालिक ने टूटी चालू कर दी, ढक्कन खोल के इलेक्ट्रिसिटी भर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं। जब उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अंदर स्टोर हो जाती है। फिर हम जब वापस फोन चलाते हैं तो वापस उसको क्या कर देता है? केमिकल को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और सेल ये काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। सेल का टाइप तो ऑल ओवर तो है, तो सेल ही, उस सेल की दो प्रोसेस है। अगर उसने अपने आप को क्या किया? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर है? केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल में। तब उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है तब उसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल जो दोनों काम करता है, उसमें से अगर एक काम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे, ये वाला काम कर रहा है तो ये वाला। अरे बोलो, समझा क्या? अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल पढ़ना है? उसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेनियल सेल, इसे हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज ही पूरा नहीं हो पाएगा, काफी बड़ा है।